वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप दिन दोगुने रात सोगुनी तरक्की करें। वृश्चिक राशि वालों, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगी धन की देवी मां लक्ष्मी, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, धन की देवी मां लक्ष्मी ने खोल दिए आपके किस्मत के नए दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी कुंडली में होगा एक जबरदस्त बदलाव, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, अब आपके ऊपर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा बन चुकी है। अब आप सभी के जीवन काल में दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की होने वाली है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में पैसों को लेकर जो तंगियां चल रही थी, पैसों को लेकर जो किल्लत हो रही थी, वह सभी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब चुटकियों में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, यह समय से ग्रहों के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों, इस योग से आपको बहुत लाभ होने वाला है। दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि ऊपर वाले परमात्मा का खेल शिक निराला शुरू होने वाला है। पलक झपकते ही क्या से क्या हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान पर मेहरबान अगर किसी पर हो जाती हैं तो उन्हें रातों रात रोडपति से करोड़पति बना देती हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये आपके पिछले किए गए अच्छे कर्मों का फल है, जो कि भगवान अपने झोली में से निकाल कर आपकी झोली में डालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि मां लक्ष्मी अब आपके जीवन काल में वो चमत्कार करेंगे जिससे दोस्तों आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। ईश्वर अब आपको बहुत बड़ी सफलता प्रदान करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों, आप अपनी तरफ से सहन शक्ति को और आत्मविश्वास को बनाए रखनी है, अपनी योग्यता को बनाए रखना है। किसी की बातों में, किसी की बहकावे में आपको नहीं आनी है, नहीं तो दोस्तों आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रयास करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ खास बातें बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखे बिना आप कहीं मत जाइएगा। उससे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और नीचे दिए गए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से, तन मन से माता रानी का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं धन की देवी मां लक्ष्मी आपके जीवन काल में कौन कौन से शुभ संकेत देने वाले हैं। आप इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, ग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों ही आपके पक्ष में है। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने से आपको किसी विशेष प्रयोजन के प्रति प्रेरणा मिलेगी। आय और व्यय में उचित समन्वय बना रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना आपको सफलता देगा। बस आप अपने कार्यों में अपना ध्यान फोकस रखिएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, यह समय किसी धार्मिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में आधारित वहां पर रहेगा। इस समय आप सारा काम बड़े ही सरल व अच्छे तरीके से पूरा करने में समर्थन भी रहेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय हंसी खुशी में आपका समय व्यतीत होगा। कुछ समय अपने मन मुताबिक गतिविधियों पर भी व्यतीत होगा, जिससे आपको काफी शांति और सुकून मिलेगा। देखिए, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए, माता पिता के साथ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय विपरीत परिस्थितियों से, देखिए, सकारात्मक बने रहने से आपका मनोबल बढ़ेगा तथा उचित मार्गदर्शन मिलेगा।
कोई बड़ा काम बन जाने से प्रसन्नता मिलेगी और किसी नज़दीकी संबंध की परेशानियों में उनकी मदद करके आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी भी विपरीत परिस्थितियों में आप घबराने के बजाय उनका समाधान ढूंढ लेंगे और धन लाभ की उचित संभावनाएं बन रही है। कार्यों के प्रति सकारात्मक सोच रखने से आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन आपको इस समय जरा ध्यान रखना होगा, किसी दूसरे की बातों में लगने से अभी बचना होगा, क्योंकि दोस्तों आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपको इज्जत, पैसा, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अपने जो है रास्ते से पीछे मत हटिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवसाय में आय की स्थिति बेहतर रहेगी। परंतु दोस्तों, काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी काम करना पड़ेगा। सहयोगी के साथ अपनी तोल मोल और समझौते से चलने में आपको फायदा रहेगा। देखिए, सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कारभार की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है, लेकिन आप इस समय अपने मनोबल को बनाए रखना आपको सफलता देगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवसाय में स्टाफ और कर्मचारियों की मदद से कोई समस्या हल होगी तथा उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। पिछले कुछ समय से चल रही बाधा आपकी दूर होगी और अपनी आर्थिक स्थिति की जो है सामने जाहिर ना करे, कोई जलन की भावना से आपके लिए नुकसान भी कर सकता है, इस बात का अभी आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, बिजनेस संबंधित सरकारी काम पूरे होंगे, किसी नई गतिविधियों को शुरू करने संबंधित प्रयास सफल रहेगा। धन संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता अभी आप ना करें। देखिए, नौकरी पैसा लोगों का अपने काम के प्रति फोकस रहना उनको अपने लक्ष्य से निकट तक ले जाएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, बिजनेस कर रहे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। बिजनेस में आपकी मेहनत और लगन से रोजमर्रा के कार्यों से शांतिपूर्ण ढंग से पूरे होते जाएंगे। नई योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई उम्मीद नजर आएगा। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। आपको इस समय बॉस जो है काफ़ी ज़्यादा काम की तारीफ करेंगे और उनकी बात मानने का प्रयास करें। हो सकता है आपका प्रमोशन आदि का भी बात इस समय चल सकता है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवसाय में आय की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। परंतु काम की अधिकता की वजह से आपको जो है टेंशन और तनाव रहेगा। ऐसे में दोस्तों, आप अपना आपा मत खोइएगा और सभी पहलुओं को इस समय जांच पड़ताल करके कार्य कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, देखिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों के मामलों में अभी आप थोड़ा सावधान रहिएगा। गलत फहमियाँ हो सकता है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, घर में छोटी मोटी बातों को लेकर बात विवाद खड़ी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रह गोचर अभी आपके पक्ष में है, जरा आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।